तो आपको भी एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया कि जो हमने परमिट लिए थे ऑनलाइन, पहले क्या सिस्टम था कि ऑनलाइन कराने के बाद भी आपको उस पर साइन सील कराने के लिए जो यहाँ का ऑफिस है वहाँ पे जाना पड़ता था। अब क्या हुआ है, 10-15 दिन से उसके ऊपर एक QR कोड जनरेट कर दिया गया है, तो जहाँ पे भी चेकिंग होती है तो बस अब उस QR कोड को स्कैन किया जाता है, इसलिए वो साइन कराने वाला सिस्टम अभी बंद हो चुका है। जो हमारे होटल के भाई साहब हैं, होटल वाले भैया, वो बता रहे थे वो काफ़ी लंबे टाइम से ये टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला जो काम है वो कर रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि ऐसा कुछ सीन है। हम लोग डायरेक्ट ही जो प्रिंट आउट वाला है वो लेके चलेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले तो वहाँ सामने बोर्ड है वेलकम टू लद्दाख का, और वॉशिंग के बाद जो चांदनी है वह ऐसा ज़बरदस्त चमक रही है, सब जगह से बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन कर दिया है छोरों ने और नई नई लग रही है अब। हाँ, इसके बस पॉलिश और होनी चाहिए थी, उसके बाद शायद और ज़्यादा चमक जाती। चलो यहाँ पे एक दो फोटो खींचते हैं। मेडिटेशन योगा करो बोला मन शांति शांति पूरा नहीं देगा तो। तो ये यहाँ का जो मेडिटेशन के लिए है उसके लिए की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभी हो नहीं रहा। बाइक की वॉशिंग करा के हम लोग आए थे यहाँ मार्केट के अंदर, ये तिब्बतियन मार्केट में आए थे, और मेन बाजार है जो ऊपर वाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है, सेम चीज़ होती है लेकिन उसकी कॉस्टिंग वहाँ पे हाई होती है, बाकी यहाँ पे इस मार्केट के अंदर उनकी कॉस्टिंग रीजनेबल है। तो यहाँ पे अभी मैं और शुभम यहाँ पे शॉपिंग करने आए, यहाँ पे आंटी मिली, इनका नाम लामो, तो उनकी जो शॉप है जैसे तिब्बती मार्केट में आप एंटर करेंगे जो सामने फ्रंट की साइड है वहाँ पे, और इनके पास काफ़ी अच्छा वेराइटी वाला यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये जितने भी ये माला वाले आइटम हैं ये खुद इनको हाथ से बनाते हैं, यहाँ पे देखो ये खुद अपने हाथ से बना रहे हैं, ये यहाँ पे इनको काट के, जो एंड है ये इसको गर्म करके सील कर देते हैं, और उसके बाद ये सारे लॉक्स वगैरह लगा के ये इसको कंप्लीट कर देते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल आइटम्स भी हैं, ये लास्ट फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाता है। तो सुबह से हम लोग यहाँ पे घूमते घूमते अभी 3:30 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग वापस होटल के लिए निकल रहे हैं और फिर वहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं अभी लंच का क्या प्रोग्राम बनता है, मिलते हैं आपसे होटल पे। टाइम 6 बजे क्यों दिखा रहा है, हैं इतना सो लिया अपन, टाइम अभी भी 6 बज चुके हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ पे शांति स्तूपा के लिए, तीनों लोग अपनी अलग अलग बाइक से जा रहे हैं, तो चलिए होप सो ओपन मिलना चाहिए। ये होटल से व्यू, तो भाई एक बार हम लोग फिर से निकल रहे हैं लेह की सड़कों पे, हल्का हल्का सा सांस फूल रहा है अभी भी, मैं भी सैचुरेशन अभी ना पता था, 90 के अराउंड था, बट देखते हैं। शांति स्तूपा इस समय काफ़ी भीड़ मिलने वाली है जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सार को ये बोल रहा है कि शाम के समय जाना, शाम के समय जाना,
और सनसेट होने को ही है क्योंकि इस साइड पहाड़ी है। तो वो है शांति स्तूप। अभी तो यहाँ पे रोड से दिखना स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल ऊपर है, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे चलना है। ज़्यादा दूर तो नहीं लग रहा, बिल्कुल पास में ही है, चल आते हैं फटाफट। लेकिन अभी तो सनसेट होने में थोड़ा टाइम है, इस हिसाब से उसके लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ से शांति स्तूपा के लिए जो ऑफिशियल चढ़ाई है वो स्टार्ट हो गई है। रास्ता काफ़ी तंग है तो थोड़ा ढंग से चलाना पड़ेगा, और बाइकर्स बहुत सारे हैं, आपस में कहीं क्रैश ना कर दें, थोड़ा सा डर है। बिल्कुल पास पास चला रहे हैं सबके सब। नो ब्लाइंड ओवरटेक। तेरी तो ओके, ये है शांति स्तूपा। और अभी यहाँ पे थोड़ी पार्किंग वगैरह कम ही है, उस साइड कार्स की है, इस साइड बाइक्स लगा रहे हैं। तो एक बार बाइक को पार्क कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय हम पहुंच चुके हैं शांति स्तूप। और टाइम की बात करूं तो अभी ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। एक बार आप ये शांति स्तूप के जो टाइम लैप्स हैं वो एंजॉय कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वो वीडियोस कैसे लगे। तो यहाँ से जो लेह सिटी है उसका व्यू भी बड़ा ही शानदार आ रहा है। एक बार आप जो व्यू है वो भी एंजॉय कीजिए।
तो भाई शांति स्तूपा वाला पोर्शन था कंप्लीट। काफ़ी देर यहाँ पे चिल किया, बहुत अच्छा वीडियोस बनाए और बहुत देर तक बैठे, मौसम को एंजॉय किया। अभी चलते हैं हम वापस होटल की साइड और आपसे मिलते हैं आगे। थोड़ी सी जैसे शाम हुई है यहाँ पे ठंड बढ़ने लग गई है। और शांति स्तूप की टाइमिंग की बात करूँ तो जब मैं पहले बोल रहा था शायद वैसा कुछ सीन नहीं है कि 7 बजे ये बंद होता है, अभी भी लोग आ रहे हैं और कोई उन्हें नहीं रोक रहा है। इट मीन्स अभी कंटिन्यूस चल ही रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, मीन्स तो चल ही रहा है। तो कैसे लगे शांति स्तूपा के जो व्यूज़ थे वो आपको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो इतना ही था, उसके बाद हमने क्या किया, हम लोग मार्केट के अंदर गए, खाने का कहीं जुगाड़ नहीं हो पाया क्योंकि 9 बजे यहाँ लेका मार्केट बंद हो जाता है। तो फिर हमने जो हमारे होटल के स्टाफ हैं उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन लोगों ने हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट कर दिया। तो अभी खाने खा लिया है, अब फटाफट डाटा ट्रांसफ़र लगाते हैं और कल सुबह हम लोग निकल रहे हैं नुब्रा वैली की। नुब्रा वैली अराउंड अभी जैसे मैंने पूछा 125 किलोमीटर के आसपास का बता रहे हैं। रास्ते में हमें पड़ेगा हाई पास जो कि है खारदुंगला और फिर उसके बाद हम जाएंगे दिशकित मॉनेस्ट्री। बता रहे हैं कि वहाँ पे अभी टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म चल रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हाँ, वॉशिंग कराने गए थे, अगर वो बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखना ताकि मैं उसको पिन कर दूँ, ठीक है। तो आपका कोई भाई बंधु है या कोई भी फ्रेंड है जिसको इस टाइप के एडवेंचर वीडियोस या ट्रैवलिंग के वीडियोस, बाइक से रिलेटेड वीडियोस ये सब अच्छे लगते हैं तो उनके साथ ही वीडियो शेयर कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। आखिर का जुमला क्या होना चाहिए आप लोग सजेस्ट करो, क्या बोलूँ।